हेलो बच्चों, ये आपकी EBS की बुक है। देखिए, हमने इसमें थर्ड चैप्टर की रीडिंग की थी और आपको समझाया था। थर्ड चैप्टर हमारे किस बारे में था? क्लॉथ्स के बारे में था। ठीक है, ये हमारा जो थर्ड चैप्टर था, इसमें हमने क्या पढ़ा था? क्लॉथ्स के बारे में, कि हमें किस क्लॉथ्स हमारे किस काम आते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या करती है? कवर करती है हमारी बॉडी को और हमको हीट, कोल्ड और रेन से और इंसेक्ट्स से बचाते हैं। उसके बाद विंटर सीज़न और समर सीज़न में हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, रेनी सीज़न में हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें समझी थी। और डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरीके से ड्रेस पहनती हैं। ठीक है, किस तरीके से ड्रेसेस होती हैं, वो सब हमने इसमें समझा था। और एक चीज़ हमने ये भी देखी थी कि किस तरीके से कपड़ा बुना जाता है। इसके अलावा, ठीक है, आपने ये वर्क कर लिया होगा। ठीक है, ये वाला वर्क जो मैंने आपको बताया था, ये आपने कर लिया होगा। आज हम नोटबुक में वर्क करेंगे और हमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा वर्क, क्योंकि आपको याद करने के लिए भी मैं दूंगी। इसलिए हमें थर्ड चैप्टर की एक्टिविटी बनानी है, तो हम चैप्टर 3 अवर क्लॉथ्स लिखेंगे। ठीक है, क्लॉथ्स लिखने के बाद हम क्या करेंगे? एक्टिविटी बनाएंगे। ठीक है, एक्टिविटी में आप क्या करेंगे? ड्रॉ एनी 2 टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, कोई भी आप 2 टाइप्स के क्लॉथ्स यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, रेनी सीजन के क्लॉथ्स भी कर सकते हो, समर सीजन के कर सकते हो, या विंटर सीजन के कर सकते हो, कि जो भी आपको अच्छा लगे 2 टाइप्स के आप क्लॉथ्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और उसमें क्या करेंगे? एंड फिल विथ कलर। ठीक है, ओके, क्या करेंगे उसको? ड्रॉ एनी 2 टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स एंड फिल विथ कलर। ओके, फिल विथ कलर। ठीक है, सुंदर सी आप एक्टिविटी बनाएंगे और चैप्टर की रीडिंग करेंगे सारे बच्चे। ओके, सारे बच्चों को चैप्टर की रीडिंग करनी है। बेटा चैप्टर रीड किया करो, और साथ के साथ अब आप लोग याद करने लग जाओ, क्योंकि अब मैं आपका टेस्ट लेना शुरू करूँगी मंडे से। ओके, सैटरडे है कल, कल मैं आपको बता दूँगी कि मैं मंडे को किस चैप्टर का टेस्ट लूँगी, और बुक में से लूँगी या नोटबुक में से लूँगी, ये आपको मैं सारा कल क्लियर कर दूँगी। ओके, सैटरडे को। इसलिए पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो, रीडिंग करना स्टार्ट करो, याद करना स्टार्ट करो। ओके बच्चों, थैंक यू।